आपके साथ। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के बेटे का 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर चालान काटा गया है। साथ ही आरटीओ ने बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने, गाड़ी में बिना मंजूरी लिए मॉडिफिकेशन करने और कम्युनिकेशन डिवाइस हाथ में लेकर खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने का दोषी माना है। शुक्रवार शाम 7,000 रुपए का चालान बेरवा के घर भेजा गया है। करीब एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम और उसके दोस्तों का कार चलाने रील बनाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो के सामने आने के बाद डिप्टी सीएम बेरवा ने इस मामले में सफाई देते हुए अपने बच्चे का बचाव किया था। इसके बाद मामला उच्च स्तर तक चर्चाओं में आ गया था। डिप्टी सीएम ने कहा था, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्टी सीएम बनाया। मेरे डिप्टी सीएम बनने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, उसको भी अच्छी गाड़ी देखने का मौका मिला है। आज जिस तरह मुझे मौका मिला है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे बच्चे को भी लोग पूछने लगे हैं। उन्होंने कहा था, इस मामले में उनके बच्चे का कोई दोष नहीं है और न ही उसने नियमों का उल्लंघन किया है। सोशल मीडिया पर बेटे की रील वायरल होने के बाद उठे सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है, कोई नियम नहीं टूटा है, मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।